चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सभी प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे हैं। आज हम बैठे हुए हैं नगर पंचायत दलगौर में। यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं श्रीमती गौरा देवी जी हैं, जो कि धर्मपति ने मेंशन की है, उनसे हम बात कर रहे हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर वो जो दलगौर निवासी हैं उनके पास जा रहे हैं, बात करते हैं इसी के साथ। मैडम, जरा हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि आपके क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जो यहाँ के निवासी हैं शहर के लोग हैं उनसे संपर्क करने की बोल रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा है कि मैं यहाँ वृद्धाओं के लिए पेंशन, बीपीएल कार्ड और जो गरीबी रेखा से जो योजनाएं प्राप्त होती हैं उन्हें प्राप्त कराऊंगी। इन मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच जा रही हूँ। अच्छा, जो लोगों को अभी तक पेंशन नहीं मिल पाई है, जो वंचित रहे हैं उनके लिए सुविधाएं दिलाएंगी। दूसरा एक और सवाल है मेरा, यहाँ पर एक बाबा साहब अम्बेडकर की जो एक प्रतिमा है थाने में बंद है, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? जो बाबा साहब की मूर्ति जो थाने में बंद है, मैं सबसे पहले उनके लिए एक चिन्हित स्थान करूँगी और उन्हें स्थापित करूँगी, जिससे कि सबको ये महसूस हो कि बाबा साहब और ये सब जो हमें प्राप्त हुआ है वो हमारे लिए और सभी के लिए अच्छा है। अच्छा, सबसे बड़ी एक परेशानी है यहाँ पर, जब आदमी बाहर से आते हैं निकल के जाते हैं तो अंदर शहर में एक जाम की समस्या होती है, और बारिश के दौरान हम क्या देखते हैं कि पानी का निकासी जो उचित होना चाहिए वो नहीं है, उसमें अब आप क्या? मैं उस जल भराव को दूर करूँगी, जो टूटी हुई व्यवस्था है उनकी सड़कों की उसको सुधार करूँगी, जिससे कि ये जो समस्याएं सामने आती हैं वो सामने ना आए और ट्रैफिक का जो स्थान है वो दूर हो और जो जाम लग जाते हैं जिससे वह कभी भी समस्या आगे ना। अच्छा, एक सवाल और उठता है हमारा कि जैसे जैसे शिक्षा के विषय में देखा जाए तो यहाँ की जो बालिका है उनके लिए शिक्षा के विषय में कोई मैं शिक्षण बालिकाओं की शिक्षा को लेकर बहुत अधिक ही सुधार करूँगी। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ये कहूँगी कि शिक्षित हों, गरीबी रेखा की जो बालिकाएं हैं उन्हें अपनी तरफ से शिक्षित करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। मुकाबला किससे माना है यहाँ पर आपका जो मुकाबला है? मेरा मुकाबला इसी से नहीं है, मैं एक तरफा जीत है और जनता का मेरा पूरी तरह से संपूर्ण सहयोग है। एक और लास्ट में चलते चलते हम सवाल आपसे करना चाहते हैं, जो वर्तमान में यहाँ के उनके विकास कार्यों के विषय में कुछ बताएंगे, कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? उनके विकास कार्यों में कोई भी महत्वपूर्णता नहीं है, यह जनता भी जानती है और यह आपको जनता बता देगी कि उन्होंने क्या विकास किया है और क्या नहीं किया। इसके एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जिले के भी लगे हुए, दलगौर के टीम भी लगी हुई है, हमें पूरी जनता का सपोर्ट है, घर घर से हम सपोर्ट कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि दलगौर में हमारी समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी एक तरफा जीत होगी। हम केवल चुनावी में केवल विकास की और शिक्षा के मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमारे पार्टी प्रत्याशी को गौरव सिंह को जरूर सपोर्ट करेगी। बताइए क्या मेन मुद्दों को लेकर आप जो है जो दलगौर के निवासी हैं उनके बीच क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जा रहे हैं? मेरा नाम हुकम सिंह भारतीय है, मैं जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी में बाबा अम्बेडकर वाले जी। और हमारे दलगौर में दो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, एक तो डंपिंग ग्राउंड है जी, यहाँ रोड पर पड़ा रहता है, चारों तरफ आने जाने वालों को बड़ी दिक्कत है। एक पल्ली रोड तरफ बाईपास पर चामंड के मंदिर के बराबर में वहाँ पर बाईपास जो है वो बड़ा ख़राब पड़ा है। हमारे जैसे भी कैंडिडेट जीत कर आते हैं बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे, जैसे जीत जाएंगे सबसे पहले ये काम कराया जाए। और जितनी भी समस्याएं हैं जैसे कि राशन कार्ड भी है, विकलांग पेंशन है, बहुत सारी सबसे काम क्या अपील करना चाहते हैं जो शहरवासी? शहरवासियों को केवल यही अपील है ज़्यादा से ज़्यादा गौरा जी का जो समर्थन करें और संपूर्ण समर्थन मिल रहा है सभी समाज से, सब समाज से समर्थन मिल रहा है, और सबसे ही ये कहते हैं हाथ जोड़ के ज़्यादा।